लगाऊंगी मैं पानी तुझे। ले आए पानी, लाओ पिलाओ। सुमित हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। सो गाइस, तो अभी रात का 10 बज रहा है और हम लोगों की कल के लिए वट सावित्री की पूजा के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। मार्केट से हम सारा सामान भी आज लेके आ गए और मैं अपने लिए 2 मेहंदी के कोन भी लेके आई क्योंकि मम्मी साथ में गई थी। मम्मी मुझे सारी चीजें एक एक करके याद दिला रही थी। हालांकि सामान इतना इजीली आज मार्केट में मिला नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ने और मैंने खूब ढूंढा। जितनी दुकानें थी जहां जहां सामान मिल सकता था हम लोगों ने जा जाकर देखा। तो मार्केट से मम्मी ने बोला कोन भी ले लो, तो हम लोग मेहंदी का कोन भी लेके आए हैं। तो फिलहाल खाना वगैरह तो हम बाहर से ही खा के आए हैं। खाना वगैरह कुछ आज शाम का प्लान घर में नहीं है, तो फिलहाल अभी मैं लगाऊंगी अपने लेफ्ट हैंड में मेहंदी। सो गाइस, इस हाथ में तो मैं अपने हाथ से लगा लूंगी, लेकिन दूसरे वाले हाथ में तो मैं खुद लगाऊं ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को मम्मी ने आज ऐसा बोला है कि इस वाले हाथ में तुम खुद से लगा लो और दूसरे हाथ में मम्मी लगा देंगी। सो गाइस, तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज एक हाथ में मेरे मम्मी मेहंदी लगाएंगी। तो चलिए फटाफट मैं इस वाले हाथ में खुद लगा लेती हूँ और दूसरे हाथ में मम्मी से मेहंदी लगवाऊंगी। तो ये है मेरा मेहंदी का कोन। कई शॉप पे पूछने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। एक बार तो मुझे लगा कि शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो शॉप थी बंद हो गई थी फाइनली, लेकिन मुझे मिल गया। तो चलिए अभी लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे कोई बहुत अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती है, बट हाँ काम चलाऊ मेहंदी लगानी आती है कि शादी में या किसी भी पूजा में मैं अपने अच्छी मेहंदी लगा सकती हूँ कि कोई उसे खराब नहीं कहेगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा बनाते हैं। सो गाइस, तो ये देखिए आज इस हाथ में मम्मी मेहंदी लगाएंगी मेरे। चूड़ी रख के बनाते हैं। हाँ हाँ बनाइए, जैसे आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे वैसे हाथ बनाइए। कितना गर्म तुम्हारा। उसे बनाया और उसके उससे पकड़ पकड़ के आगे घसीट दिया। हाँ। मम्मी की मेहंदी लग चुकी है, हाथ कंप्लीट हो चुका है। मम्मी ने मेहंदी बहुत गजब की लगाई है, आजकल सही में मतलब आजकल कहेगी कि हमारा लगाई थी तो हाथ कांप बहुत रहा औसम मेहंदी लगाई। मतलब मैंने भी लगाई अपनी, पर मेरे से ज्यादा अच्छी मम्मी ने लगाई है। बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे ठप्पे वाली मेहंदी छपवाई है। सच में मेहंदी बहुत अच्छी लगी है, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है और बड़ी खुशी हो रही है। सीधे आधे सुमित मम्मी ने करना पहली बार मेरे हाथ में मेहंदी लगाई है, वो भी इतनी अच्छी लगाई। ये देखिए मम्मी बिल्कुल पूरी कंप्लीटली सुपर मॉम है। उसके नाम भी डाल दिया इसके। और हाँ, मैंने तो अपने हाथ में सुमित का नाम नहीं डाला था, मम्मी ने इसमें सुमित का नाम भी लिख दिया। ये देखिए मम्मी की मेहंदी मुझे बहुत पसंद आई और मेरी भी अच्छी लगी है, इतनी बुरी नहीं है। सो प्लीज मेरी मेहंदी देखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी और खास तौर से मेरी मम्मी की मेहंदी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिन गाऊंगी मैं सजना के नाम की। ओहो, प्यास तो बहुत तेज लग रही है, क्या करूं, किससे मांगू। मम्मी तो सो गई है, अभी कोई है भी नहीं पानी देने वाला, और सुमित से कैसे मांगू पानी। में सुमित से तो सुबह मैंने कितना झगड़ा कर लिया, सुमित को गुस्सा कर दिया, अभी सुमित तो मुझे पानी देंगे भी नहीं। लेकिन अगर मैं खुद से पीऊंगी तो मेरी मेहंदी छूट जाएगी। नहीं, ऐसा करती हूँ सुमित से एक बार पानी में मांग के देखती हूँ, सुमित मुझे पानी देते हैं कि नहीं देते हैं। चलो मांगती हूँ एक बार। सुमित सुमित प्लीज यार पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है मुझे। सुमित हाँ प्लीज यार पानी दे दो एक ग्लास। ये रुक अरे ले आए पानी।
थैंक यू और सॉरी, मैंने तुमसे सुबह झगड़ा किया कितना, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी और तुमने सिर्फ एक बार कहने पे मुझे पानी दे दिया। गाइस बात नहीं। सुमित बहुत अच्छे हैं, मैंने सुमित के साथ सुबह झगड़ा किया लेकिन सुमित देखिए मेरे एक बार कहने पे मेरे लिए पानी लेके आ गए। सो गाइस, तो मेहंदी लगाने के बाद मुझे काफी जोर की भूख लगी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या खाएं। और खाना तो रखा है मुझे, बट दोपहर का खाना खाने का मन नहीं था, तो फिर अंकित ने मुझे मैगी बनाकर दी। मैगी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, और अंकित ने बहुत अच्छी औसम मैगी बनाई है, सूपी सूपी सी, बिल्कुल टेस्टी, चटपटी। सो थैंक यू सो मच अंकित, अंकित ने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतनी बढ़िया मुझे मैगी बना के दी। मम्मी ने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई मेरे, सुमित ने मुझे पानी ला के दिया। तो चलिए फिलहाल अभी ज्यादा गप्पे शप्पे नहीं मारते वरना मेरी मैगी ठंडी हो जाएगी, फिर उसको खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं रहेगा। और गाइस, मुझे मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है, कल 4:30 या 5 बजे उठ जाना है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले पूजा करने के लिए पहुंचना है, क्योंकि फिर धूप निकल आती है तो काफी गर्मी हो जाती है। तो अभी हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं और आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी और आप लोगों ने भी वर्षावित्री की पूजा कैसे की, क्या क्या तैयारियां की, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।